तो हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत करता हूँ मैं पंकज आपका फार्म सिम्युलेटर के एक नए एपिसोड में। पर भाई एपिसोड नहीं है भाई, इसमें आपको एडिट करना बताऊँगा कि कैसे आप मोड पर एडिट कर पाएंगे। तो पिछले वीडियो में आप मैं सही से नहीं कर पाया था भाई, क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैंने ऑन कर दिया था। तो भाई अभी हम मैसी को ऑन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिस ट्रैक्टर को आपको मॉडिफाई करना है उसका आपको नाम देख लेना भाई, पहले ये बात ध्यान में रखना। तो ये रहा भाई मैसी हो गए 225, नहीं 255, ठीक है भाई, दो है भाई, ये करेंगे मॉडिफाई। इसको हम स्वराज भी बना सकते हैं, स्वराज का भी बना सकते हैं, कोई भी ट्रैक्टर बना सकते हैं, 735 वगैरह, न्यू होलैंड देखेंगे भाई जितनी मोड। ये नो होलैंड का है भाई, इसको छतरी दूसरी लगाएं। तो 255 था भाई, तो ठीक है भाई, मैसिव क्वेश्चन 255। ओके, क्लोज कर देंगे गेम को। गेम क्लोज हो चुकी है भाई। तो अभी देखते हैं भाई मोड में जाके हमें जिसको मॉडिफाई करना है। पिछली गेम में आपको मैंने बताया था ये रहा हमारा ट्रैक्टर, तो भाई इसको कट करके हम तो इसको कट ही कर देते हैं भाई। ये काम नहीं किया था, पर भाई मैंने आपको बता दिया था यार कि कैसे ये चेंजिंग करते हैं हम, क्योंकि भाई मेरे से कोई दिक्कत होगी होगी तब मैंने देखा नहीं था भाई। तो अभी देखते हैं कितना था, 255 था, 555 था, 255 था भाई। तो देखते हैं भाई अभी निकल जाएगा साइड में आप सर्च। तो भाई सर्च में कुछ भी नहीं आया, अभी मैसी लिखते हैं, मैसी फोकेशन ये रहा मेरे ख्याल से भाई। हाँ भाई यही है मेरे ख्याल से, जितने भी है भाई मैसी सभी ले लेते हैं यार, सभी को मॉडिफिकेशन करेंगे, एक दूसरे का सामान लगाएं, कट कर लें भाई। और उसके बाद आप किसी भी फाइल में आपको करना है तो उसके नाम का फोल्डर बना लें। तो ये हमारी ओरिजिनल फाइल आ गई है भाई, देखो यार। तो इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे हमने एक ओरिजिनल फोल्डर बनाया भाई, ओरिजिनल फाइल यहाँ रखते हैं प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे। तो भाई हम यहाँ पे रख लेंगे ये फाइल को संभाल के, क्योंकि पहले भी हमने मॉडिफिकेशन की है, तो ये रखी है फाइल वगैरह। तो इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे भाई जिस पे हमें मॉडिफिकेशन करना है। तो उसको भाई आज मैं बताऊँगा कैसे दूसरे ट्रैक्टर का पार्ट निकालते हैं, ठीक है। तो ये रहा, तो भाई चेक ज़रूर करते रहिए यार जब मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ी मॉडिफिकेशन की उसके बाद आपने चेक जरूर करना भाई ट्रैक्टर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मॉडल आ गए भाई ट्रैक्टर के, सभी मॉडल है भाई जितने भी ये इतना, तो देख लेना भाई एक भी मॉडल में सभी को खोल के जिस मॉडल को आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। आप चाहे तो सभी को भी कर सकते हैं, तो एक बार देखना पड़ेगा भाई। ये ट्रैक्टर, ये तो भाई किसी और का ट्रैक्टर का कोई पार्ट है भाई, ये टोपलिंग वगैरह है पीछे लीवर का, तो आपको देखना पड़ेगा भाई यार कहाँ है। मेरे ख्याल से नीचे होगा भाई, ये होगा मेरे ख्याल से। तो सभी फाइल को खोल के देख लेना जहाँ पर आपका आईडी फाइल होगा ट्रैक्टर का, तो उसको ओपन कर लेना, ठीक है भाई। गर्मी बहुत है, फ़ैन को ऑन कर लूँ अगर साउंड आ रही हो तो। ये भाई आगे वाला उसका वो है यार, मेरे ख्याल से यार देखना पड़ेगा भाई, अगर इसमें नहीं होगा तो भाई होना तो भाई चाहिए। ये इसका फ्रंट लोडर भाई। तो भाई सभी फाइल को खोल के एक बार जरूर देखिएगा जहाँ पे आईडी फाइल होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है भाई, ये दो रह गए और ये नीचे वाला रह गया। इसको चेक करते हैं फिर देखते हैं भाई दूसरी फाइल को एडिट करके कि किस में था भाई, किस कई बार उसका ओरिजिनल नाम नहीं आता भाई। ये भी उसका वो ही, मेरे ख्याल से इसमें नहीं होगा भाई, इसमें सभी अपने टूल्स वगैरह हैं मेरे ख्याल से। ये एक भाई 196 का MB का, इसको देखते हैं यार क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे। चलो इसको देखना लास्ट में, नहीं तो फिर भाई दूसरा मोड देखते हैं ट्रैक्टर का। तो भाई आ गया, यही मोड है भाई, देखो ट्रैक्टर हमारा आ गया यहाँ पे। तो कैबिन वूमेन सभी होगा भाई इस वक्त सभी ट्रैक्टर में। तो हमें क्या करना है भाई कि इस चीज़ को चेंज करना है, मकराड़ वगैरह बस इसके ये अंदर से। तो यहाँ पे क्लिक करके ये शो हो रहा है, कैबिन नहीं चाहिए भाई हमें, कैबिन हटाना है। तो भाई कैबिन के लिए ये लोडर रखेंगे भाई। तो कैबिन कहाँ से शो हो रहा है भाई, ये देख लें, ये यहाँ से हो रहा है, ये बॉडी है भाई इसकी, ये कैबिन है, ये कैबिन का कुछ भाई पार्ट वगैरह है। एक बार देखते हैं उठा के भाई, ये पता नहीं भाई क्या है इसको यार, कैबिन को पूरा ही हटा देंगे भाई। कैबिन हटा दिया मैंने, तो कैबिन की जरूरत नहीं है भाई, एक फ़ैन है भाई कैबिन के अंदर, और क्या था भाई एक वाइपर लगा है भाई, इनको भी हटाना, अगर हटाना चाहते हैं हटा दो, नहीं तो नीचे एडजस्टमेंट कर दो इसकी। तो ये देखेंगे भाई कहाँ से शो हो रहा है कैबिन का जो फ़ैन था,
तो इसके अंदर हो रहा है भाई। तो ये सीट है भाई, स्टेयरिंग है भाई, स्टेयरिंग देख लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर देंगे भाई स्टेयरिंग को। मैसी का स्टेयरिंग भी भाई, मैसी तो भाई मैसी का ही है स्टेयरिंग ना, ठीक है भाई मैसी का स्टेयरिंग है। तो इसको बंद कर देते हैं भाई। तो अभी देखते हैं दूसरा इसका, ये लाइट वगैरह भाई इसकी, तो ये इसको लीड कर देंगे भाई। ये तो कैबिन का पार्ट है। तो फ़ैन हम यार नीचे लगा लेंगे, इसके अंदर भाई सो रहा है तो इसको अंदर खोलेंगे, इसके अंदर ही बेसिकली भाई। तो इसके अंदर फ़ैन वगैरह साइलेंसर वगैरह सो हो रहा है। तो एक सीट, स्टेयरिंग भाई, इसमें सामान बहुत है चेंज करने वाला, क्लच वगैरह इसका सो हो रहा है, ठीक है भाई। ये स्टिकर, फ़ैन देखना पड़ेगा भाई किसका, ये साइलेंसर भाई इसका, दो होंगे भाई इसके अलग अलग मोटर के। ये देखो भाई इसके अंदर कितने साइलेंसर, ये तो साइलेंसर का भाई वो है, ये पूरा साइलेंसर है भाई, एक एक ही साइलेंसर भाई इसमें। देखते हैं अगर वो नहीं भाई, एक ही साइलेंसर है। तो फैन भाई देख लेते हैं कहाँ है भी एक नहीं भाई, ये वाइपर इसको हटा लेंगे क्योंकि कैबिन वाला नहीं चाहिए हमें। तो ये फ़ैन आ गया भाई। तो फ़ैन अपना हिसाब से भाई लगाना है नीचे, तो इसको रोटेट करके तो भाई इसको ज़मीन पे लाएंगे। तो देखेंगे भाई कहीं डंडा डूंडा लगा के, ऐसे भाई हवा में लटकाओगे हवा में लटक जाएगा, पर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो इसको हम लगाएंगे भाई बिल्कुल यहाँ पे, ऐसे करते हैं यार, इसको साइड, इसको साइड में रखते हैं, छतरी लगाते हैं दूसरी, उसके ऊपर लगाएंगे इसको। फट्टा वगैरह भी लगा भाई इसके पीछे देखो देसी, तो फट्टा क्या करना भाई यार, फट्टा रहने दें यार, इसके अंदर सो रहा है, नहीं फट्टा इसके अंदर ही, इसके अंदर नहीं फट्टा सो रहा है। तो फट्टे को देखते हैं, हटाते हैं भाई, इसके अंदर हो रहा है भाई, इसके अंदर नहीं हो रहा है, ये रहा नहीं, ये हो रहा है भाई सो। तो फट्टा हटाते हैं यार भाई, कहाँ फट्टे वाला ज़माना भाई, हुक वगैरह है इसका, इधर ही होगा भाई इसका फट्टा वगैरह, ये रहा फट्टा भाई। ओके भाई इसको डिलीट कर दिया हमने। और अभी बताता हूँ भाई किसी ट्रैक्टर का दूसरे का सामान कैसे निकालना है। तो भाई बहुत सारी मॉडिफिकेशन है इस ट्रैक्टर में, बहुत सारी भाई, कुछ भी लगाओ यार कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो भाई अभी क्या करना है हमें, 235 मॉडल है भाई ये, तो हमने तो 255 वाला देखा। तो भाई इसको मॉडिफिकेशन कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो भाई जिस भी ट्रैक्टर से आपको पार्ट निकालना है भाई, उसको ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले आपको। मेरे पास तो भाई कोई मोड नहीं मेरे हिसाब से, मोड्स तो कौन सा था भाई मेरे साथ, मैसी का था भाई, मैसी तो मैंने निकाल लिया भाई सभी, देखता हूँ भाई मैसी तो सभी निकाले हैं मैंने। तो मैसी को एक बार स्ट्राइक करते हैं भाई, वीडियो को ध्यान से देखना, बाद में मत बोलना भाई समझ नहीं आया। तो इसको भी ओपन कर लेंगे भाई, ये पोनी लिखा जो, ये ट्रैक्टर है भाई, ये तो भाई बहुत पुराना मॉडल का ट्रैक्टर है। अगर भाई ऐसे अंधेरा है ना, देखो आपको देखना प्रॉब्लम, तो यहाँ पे जाएंगे क्रेड, यहाँ पे लाइट को लिखेंगे तो लाइट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसका तो क्या पार्ट लगाना भाई, छोटा बहुत है। तो इसको भी बाद में देखिए, मैंने पोनी देखा नहीं भाई, 4300 में से 4300 यार भाई, 4300 अभी इसमें देखते हैं, 4300 में कोई पार्ट मिल जाए वैसे फोकसन 4300 में, तो उसको लगाएंगे उसमें। तो ये छतरी भाई, इसको 9500 बनाएंगे, और इसकी छतरी चाहिए भाई हमें, ठीक है। तो छतरी को देखेंगे कहाँ हाईलाइट हो रही है, ट्रैक्टर इंटीरियर ये रहा मेरे ख्याल छतरी, हाँ भाई ये देखो छतरी यहाँ से होगी, तो इसको हमें सेलेक्ट करना है भाई, छतरी सेलेक्ट होगी और चीज़ तो नहीं भाई सेलेक्ट, एक बार देख लेना, नहीं भाई छतरी है, ठीक है। तो हमें भाई ध्यान देखना है, अभी हमें दूसरी फाइल में जाना है भाई, यहाँ पे जाना फाइल ऊपर दिख रहा आपको, फाइल ओपन करना है, एक्सपोर्ट सिलेक्शन विद फाइल्स, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लोकेशन मांगेगा कहाँ आपको सेव करना है। तो भाई हमें उस फाइल में जाना है जहाँ में, जहाँ पे आप मोड को डालना चाहते हैं। तो भाई हम मोसीफिकेशन इसमें डालना चाहते हैं 235 में, किसी कहीं भी डाल दो भाई, या तो आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर लो, कुछ भी लिख दो भाई, एक्स बाई जेड कुछ भी लिख दो और सेव कर दो। उसके अंदर जाओ तो यहाँ फाइल का नाम दे दो, कैप दे देंगे जैसे हम कैप लगाएंगे, तो ये फाइल। उसके बाद यहाँ यस नहीं करना है भाई, नो करना है, उसके बाद हमें यस करना है। तो इसको यार या तो क्लोज कर दो या तो मिनिमाइज कर दो। तो अभी हम फिर से भाई ट्रैक्टर के उधर चलेंगे, तो हमें छतरी चाहिए, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, कैब यहाँ पर आ जाएगा,
ओपन कर भाई, देखो छतरी यहाँ पे ऑटोमेटिक पहुँच गई है, तो अभी छतरी का पूरा काम नहीं होगा। ये कंट्रोल एक्स से इसको कट करेंगे यहाँ से, ये डालेंगे मैसिव क्वेश्चन के यहाँ पे बाहर, तो देखना अभी मैसिव क्वेश्चन को करूँगा तो भाई ये हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट होना चाहिए ठीक है। छतरी आ गई अभी, हमें ये है कि छतरी ऊपर नीचे अपने हिसाब में मॉडिफिकेशन करना है छतरी का। तो भाई यहाँ से हम थोड़ा पीछे रखेंगे, बेसिकली ट्रैक्टर की छतरी जहाँ होती है थोड़ा और पीछे करेंगे भाई, यार मेरे ख्याल से इतनी होती है छतरी, थोड़ी सी भाई चौड़ी करेंगे यार, चौड़ी कर और यार ज़्यादा हो गई भाई थोड़ी, तो क्या ये तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो भाई इसको मोड़ का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो भाई इधर ही रखते हैं यार इसको, कोई दिक्कत नहीं बाद में बताऊंगा आपको। तो ये है रही हमारी छतरी, इधर लगा लेते हैं यार, ज़्यादा आगे भी नहीं ज़्यादा पीछे भी नहीं भाई, यार ज़्यादा आगे लग गई यार, ये इधर सही रहेगी भाई, थोड़ा सा नीचे करेंगे भाई, नीचे भी पता लग जाए किस पे टिकी हुई है ये छतरी हमारी, ठीक है भाई इधर ठीक है यार, अपने हिसाब से देख लेना जहाँ पे आपको अच्छी लगी, यहाँ पे यार नहीं सही लग रही है, थोड़ा और नीचे करें यार भाई, नहीं बीजे नहीं भाई, ठीक है भाई इधर ठीक है यार, छतरी अपना ज़्यादा बड़ी भी नहीं लग रही है थोड़ी सी, ठीक है भाई छतरी हो गई यहाँ पे सिलेक्ट। अभी शीशा वगैरह हमारे नहीं है यहाँ पे ठीक हो, ये हमें खुद लगाने पड़े। अभी फ़ैन की बारी भाई, फ़ैन हमें चाहिए, तो पिछली बार हमने आपको बताया था भाई नहीं हो पाया था, तो इस बार पूरा आपको बताऊंगा यार, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे भाई, नहीं तो भाई मोड़ फिर से ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर फ़ैन कहाँ था भाई इसका, ये रहा फ़ैन, तो अपने हिसाब से भाई इसको लगा देंगे, अपने हिसाब से देख लो भाई कहाँ लगाना है, अपने छतरी पे लगा दो यार, साइड पे लगाते हैं यार क्योंकि सामने नहीं, साइड पे यार ठीक है भाई, इधर ही ठीक है यार, कैबिन में हवा भी आनी चाहिए भाई, ये पता नहीं भाई जब ये काम करता है कि नहीं ये हमें नहीं पता है, अगर ये काम करता होगा तो ये कहीं कहीं भी लगा दो भाई, काम जरूर करेगा, अगर ये डमी है तो भाई नहीं काम करेगा ठीक है। ये तो फिर मोड़ वालों को ही है भाई, उन्होंने ओरिजिनल लगाया डमी, ये देखो भाई ये लगा दिया, अरे भाई तो यहाँ से भाई रोटेट नहीं करना, तो भाई यहाँ से अपना वैल्यू भर सकते हैं, एक बार देखना 105 पे है तो इसको बढ़ा दो आप 200 कर दो, ये नहीं भाई इसका देखना पड़ेगा, ये मेरे हिसाब से रोटेशन ये है भाई इसकी, 600 है तो 700 कर दो भाई, भाई चेंज नहीं हो रहा यार, आपको देखना पड़ेगा भाई, ये है मेरे ख्याल से यार सभी फाइल को देखो यार, 18 है तो 200 कर दो, पर भाई ये चेंज नहीं हो रहा है तो हमें मैन्युअली करना पड़ेगा भाई, देख लो भाई इधर से वैल्यू हो गया एक्स वाई जेड जो भी होगी, तो ये लग गया फ़ैन हमारा, केबिन में थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई, ड्राइवर को हवा तो आए, ठीक है भाई अभी फ़ैन लग गया हमारा, ऊपर से निकल भी गया भाई, तो अपने हिसाब से भाई सिलेक्ट कर लेना यार फैन फैन, तो ये फ़ैन हो गया, तो ये मैंने नॉर्मल मॉडिफिकेशन बताई भाई, आपको अभी कुछ और ऐड करना है देख लेते हैं भाई, पिछली बार स्टीयरिंग का लगाया था, स्टीयरिंग हमने नीचे किया भाई देखो भाई ठीक है ना, और तो भाई मुझे नहीं लग रहा बाद में मॉडिफिकेशन करेंगे, आपको बिगनर है तो भाई ये सही रहेगा, आपको थोड़ा बहुत बता दिया मैंने, तो इसको सेव कर लेते हैं भाई एक बार सेव, तो ये हमारी फाइल है इसको करेंगे कट ही कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप पेस्ट करना ठीक है ना, कट मत करना, तो यहाँ पे आ गई फाइल हमारी, अरे यार हमने उसको क्लोज नहीं किया भाई, मोड को हमें क्लोज़ करना सेव करने के बाद, और एक बार फिर से पेस्ट करेंगे, अरे भाई फिर से करना पड़ेगा, ये था भाई मेरे ख्याल से, हाँ यही था भाई, यहाँ से कट कर लो या पेस्ट कर लो आपकी मर्जी है, पेस्ट कर दिए भाई, ठीक है भाई गेम को प्ले करके बताता हूँ आपको एकदम, और बताना भाई काम करता है कि नहीं, इस बार तो मैं भाई गारंटी देता हूँ आपको, मैंने ज़्यादा मोटिवेशन नहीं की है, तो गेम को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, उसको पहले मैं वीडियो को रोक लेता हूँ भाई, क्योंकि यार जब गेम स्टार्ट होगी तब बताऊँगा आपको, तो वीडियो रोक लेते हैं भाई यहाँ पे, तो भाई गेम हमारी चल चुकी है, अब जैसे कि देख सकते हैं अभी मैंने प्ले किया, तो ठीक है भाई अभी देखते हैं हमारा मोड आया है कि नहीं, तो यहाँ पर हम ले लेंगे जहाँ पर हम देखेंगे भाई किस लोकेशन में था, उस लोकेशन को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से भाई हमने ये ले लिया था ठीक है ना, 200 ये 55 था, ये 255 और 35 ये भाई ये है था, क्योंकि भाई हम गलती से ये ले लिया, तो भाई अभी देखते हैं यार
छतरी वगैरह आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो मोड को ओपन होने में भी टाइम लगता है भाई कई बार, क्योंकि मोड में ज़्यादा इन्होंने चीज़ें डाली होती है ना। तो ठीक है, तो ये देखो भाई, तो भाई ये देख सकते हैं अब यार मोड पूरा काम कर रहा है, वैसे ही आपका देख सकते हैं। तो ये चेंजेस वगैरह आप कर सकते हैं, जो भी हो सकता है भाई, बिल वगैरह चेंज कर लो। तो भाई थोड़ा स्लो होगा चेंज यार, क्योंकि ये मोड भाई काफ़ी स्लो काम करता है। तो ठीक है भाई, तो यहाँ से हम और चेंज कर लेंगे। मोड को भाई काफ़ी टाइम लगता है यार चेंज होने। ठीक है, ये रहा, तो मैसिव हो गया सर, दूसरा चेंज करेंगे भाई। हमने चेंज किया था 235 किया था भाई, कौन सा किया था यार याद नहीं आ रहा हमें, 255 चल पड़ा भाई अभी। ठीक है, तो भाई ये देखो यार आपके सामने है सभी कुछ यार। तो इसमें भाई बहुत से ऑप्शन है यार, स्टीयरिंग इसका भी आया नहीं यार नीचे अपने, इसका ऑप्शन है अभी स्टीयरिंग वगैरह चेंज करने का, सब कुछ ये है भाई नीचे दिया है स्टीयरिंग व्हील। ये देखो कौन सा चाहिए, जो हमने यार ऐड किया वो आएगा, ठीक है ना। तो अभी काफ़ी स्लो चल रहा है, तो ये नहीं है भाई। तो स्टीयरिंग व्हील अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना भाई यार, ठीक है। बहुत से ऑप्शन है भाई इसमें, स्टीयरिंग चेंज होगा, ये चेंज होगा, क्योंकि हमने जो स्टीयरिंग चेंज की है वो इससे यहाँ से सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ भाई, तो स्टीयरिंग यहाँ से चेंज होगा आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि स्टीयरिंग यहाँ से आएगा इसको चेंज करने में, छोटा बड़ा अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये एक बार इसको इंजन को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको बाय कर लेते हैं भाई यार, थोड़ा बहुत दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा भाई ट्रैक्टर आ गया हमारा यार, देख सकते हैं। तो ये यार भाई ये मत सोचना यार स्टीयरिंग नहीं आया, स्टीयरिंग भाई इसका आया है, पर वो है यार भाई और अपना उसमें यार कर सकते हैं यार, आपने वहाँ से मॉडिफिकेशन नहीं की है ना, इसलिए नहीं आया है वो मो स्टीयरिंग, ठीक है। जैसे कैबिन का, कैबिन के साथ हमने लीड किया था, वो कैबिन का स्टीयरिंग भी लीड हो गया था। तो हमें कैबिन सेलेक्ट नहीं करना है, वो उधर जाके आपने नॉर्मल सेलेक्ट करना, ठीक है। तो फैन वगैरह आप देख सकते हैं सब कुछ लगा हुआ है ट्रैक्टर के ऊपर। तो और आपको मैंने बेसिक बता दिया भाई कैसे एडिट करते हैं, आप देख सकते हैं कैसे एडिट कर दिया है। अभी तो बेसिक है भाई, अभी तो बहुत कुछ इसके शीशे वगैरह साइड में एडिट करेंगे, जो कमी होगी फिर से वो करेंगे, आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो बताना भाई आज के लिए, और भाई इस वीडियो पर मुझे कम से कम 100-150 तो लाइक चाहिए, फिर आगे इसके आगे मैं नई वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, नहीं तो भाई नहीं बनाऊँगा, देखेंगे, ठीक है, देखते हैं आप कितना सपोर्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।